ये जो आप देख रहे हैं सब AK-47 टाइप का असॉल्ट राइफल है। एक जहाज के ऊपर ये इतने सारे जहाज के डेक पे बिछाया गया है असॉल्ट राइफल। जरा देखिए पूरा असॉल्ट राइफल है। ऐसा क्या हो गया भाई? तो देखिए क्या हो गया, आप पहले इसको देखिए। फ्रांसीसी नौसेना ने, फ्रांस की नेवी ने जब्त किया है हथियारों का बड़ा खेप, ए बिग कंसाइनमेंट ऑफ वेपन्स कैप्चर्ड बाय सीज्ड बाय फ्रेंच नेवी इन अरबियन सी नियर यमन। मामला क्या है तो देखिए, पहले फ्रांस की नौसेना ने जब्त किया, एक पोत से जब्त किया, उसके डेक पर उसे असॉल्ट राइफल है सारे, मिसाइलों का जखीरा भी है, कई मिसाइल्स भी हैं। फ्रांसीसी नौसेना ने जनवरी में ओमान की खाड़ी में, दैट इज इंपॉर्टेंट, कहां जब्त किया? ओमान की खाड़ी में। क्या जब्त किया? असॉल्ट राइफल, मशीन गन, एंटी टैंक मिसाइल जब्त की है। ईरान से यह हथियारों की खेप यमन हूती विद्रोहियों के पास भेजी जा रही थी। बेटा नक्शे को याद करिए, ईरान ये खेप भेज रहा था यमन, गल्फ कंट्री, हूती। देखिए यहां पे क्या लिखा है, हूती विद्रोहियों को। तो याद रखिएगा, हूती जो विद्रोही हैं ये सिया हैं, यमन में रहते हैं और इन्हें पूरा समर्थन है ईरान की सरकार का, और इसी यमन में रहते हैं तुत्सी, और तुत्सी जो हैं सुन्नी समुदाय के हैं, मुसलमान के, इस्लाम के, और इन्हें पूरा समर्थन है सुन्नी देश सऊदी अरब का। इस्लाम में हमेशा से ये बड़ा, अभी तक वो पूरा सिविलाइजेशन के तौर पर नहीं आया है, उस सनातन धर्म का जो अध्यात्म है वो विकसित हो रहा है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। हमारे इस्लाम में सूफी वर्ग कमजोर पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, सूफियों को और आगे आनी पड़ेगी। जैसे हमारे में सुधार के लिए भक्ति आंदोलन आए मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में, एंशियंट इंडिया में, मॉडर्न टाइम में, ये जो भक्ति आंदोलन है हम लोगों को शांत किया, हम लोग बहुत सुधरे। तो सुधार जरूरी है। तो इन दो देशों के बीच के जो शीत युद्ध हैं सऊदी अरब ईरान, उसे आप यमन में देख सकते हैं। ये दोनों कबीले इस्लाम के जो हैं, हुत्सु और तुत्सी, तो इन दोनों को पर्टिकुलर ये दोनों सपोर्ट करते हैं और वहाँ सिविल वॉर छिड़ा हुआ है। और जो 2015 में तगड़ा सिविल वॉर छिड़ गया, तो ईरान मदद कर रहा है हूती जनजाति को जो इस क्या कहते हैं वो इस्लाम के सिया हैं, और हुतू को मदद कर रहा है सऊदी अरब। वहाँ इतना बड़ा सिविल वॉर चल रहा है जिसकी वजह से हमने ऑपरेशन राहत चला के हमने वहाँ के भारतीयों को बाहर निकाला, इवन पाकिस्तानियों को भी बाहर निकाला। तो ये ध्यान में रखने की बात है। ओके?